हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। दरअसल बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपनी अगली फिल्म टाइगर 3 में व्यस्त हैं, जिसमें सलमान खान के साथ अभिनेत्री कटरीना कैफ भी मुख्य किरदार में नजर आने वाली हैं। टाइगर 3 सलमान खान की मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके रिलीज का इंतजार उनके फैंस बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। अब इसी बीच में इस फिल्म को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये है कि मेकर्स इस फिल्म की कहानी को अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए खास तैयारी भी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान और कटरीना कैफ द्वारा अभिनीत फिल्म में अभिनेता इमरान हाशमी भी एक IAS एजेंट के रोल में नजर आएंगे। उनका सामना इंडियन टाइगर अविनाश सिंह राठौर से होने वाला है। इस वक्त जो खबर आई है, उसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म टाइगर 3 को लेकर आदित्य चोपड़ा और श्रीधर राघवन के साथ मिलकर तीसरे सीक्वल की कहानी लिखने का फैसला किया है। टाइगर 3 बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसकी वजह से आदित्य चोपड़ा और श्रीधर इस फिल्म को लेकर कई आइडियाज पर काम कर रहे हैं। फिल्म की कहानी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के फॉलो अप को आगे ले जाएगी। फिल्म टाइगर 3 का निर्माण आदित्य चोपड़ा के बैनर यशराज प्रोडक्शन तले किया जा रहा है, जिसमें कटरीना कैफ, सलमान खान और इमरान हाशमी का अहम रोल होने वाला है। फिल्म के जरिए टाइगर और जोया दुनिया भर के कई देशों की यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग यूरोप के कई देशों में भी की जाएगी। फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी और इसको साल 2022 में रिलीज करने की मेकर्स की तैयारी है। फिल्म का म्यूजिक प्रीतम चक्रवर्ती देने वाले हैं। ऐसे में आप लोग इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।